आई एम पवन कौशिक, अ पार्ट ऑफ एलिवेट एडु सॉल्यूशंस, योर बायो फैकल्टी. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज परीक्षा की घड़ी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी. आज आपका नीट एग्ज़ाम है. ये साल भर की मेहनत है जिसका परिणाम कुछ दिनों बाद या फिर हम कहें कुछ घंटों बाद आपको मिल जाएगा. ये परिणाम सिर्फ आपका नहीं होगा, ये परिणाम हमारा भी होगा. हम दोनों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का पूरा प्रयास किया है. कुछ बच्चों ने प्रयास पूरे साल किया है, कुछ बच्चे थोड़े से लेट जागे हैं. लेकिन हाँ, अगर आप इस लड़ाई में शामिल हैं तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य एक है. जो बहुत ज़रूरी बात है इसमें याद रखने की, वो ये है कि आपका काम सिर्फ प्रयास करने का था, परिणाम पर अधिकार आपका नहीं है. इसलिए आज जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो बहुत ही शांत दिमाग से, बहुत सूझबूझ कर और एकाग्र होकर, पूरा फोकस होकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें. जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको 50% से कम लगता है, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना अटेम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना भी होता है. लेकिन इस बात को याद रखिए कि ये साल भर का जो सफ़र रहा है आपका, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए ही काफ़ी, पढ़ाना ही सिर्फ इसमें सब कुछ नहीं था. इसमें आपने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि मेहनत की आदत. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने इस साल अपने अंदर डेवलप की है. आपने चीज़ों को एक बड़े स्वरूप में देखा है. आपने ये जाना है कि जीवन सिर्फ मस्ती मजाक या फिर घूमना फिरना सिर्फ यही नहीं है, अब जीवन के उद्देश्य बड़े होने वाले हैं. आप सभी को मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं. भगवान आपकी सहायता करे और आपको सफलता मिले. लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ये एग्ज़ाम सिर्फ एक पड़ाव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. जीवन इससे बहुत बड़ा है. जो सबसे बड़ी चीज़ आप सीख सकते हैं जीवन में, वो है हार ना मानना. तब तक हार ना मानना जब तक जीत नहीं मिल जाती. इसलिए परिणाम के बारे में ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ एग्ज़ाम अच्छे से करें. एक बार फिर से आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट. और अंत में यही कहूँगा कि ठीक है, थैंक यू.